कहावत है ना लड़ाई से प्यार बढ़ता बोलिए understand the cause. Cause. C-A-C-A.
अंडरस्टैंड द कॉज, करेक्ट, ईगो, ये सब चीजें रह रहे हैं ना, एंड मिस अंडरस्टैंडिंग, नेट नेट क्या है, क्लैशेस क्यों होती है, मिस अंडरस्टैंडिंग बेटर, मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन व्हाट, नेट नेट ये सब 7.1 एक चीज बोल रहे, मिस अंडरस्टैंडिंग बोल रहे, मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन होम, टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज, इसके बीच में हो रहा है, दो लोगों की पर्सनैलिटीज के बीच में हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, तो क्लास से निकला हमारा वो किसके बीच में हो रहा, पर्सनैलिटीज आर डिफरेंट, करेक्ट है ना, माई पर्सनैलिटी डिफरेंट, भास्कर पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, सभा पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, एंड एवरीबडीज पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, पर्सनैलिटीज अलग है उसके लिए क्लासेज हो, राइट, तो हम पर्सनैलिटीज के बारे में सोचेंगे, राइट, तो लेट अस लुक एट नाउ, मेरा और वेंकट का पर्सनैलिटी सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है, राइट, विनय का और यासिन का, वाहिद का और तौसीफ का, डिफरेंट, एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, आई अंडरस्टूड, सो व्हेन वी हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज वी आर गोइंग टू हैव क्लैशेस, राइट, वी वुड विश कि सब दुनिया में सब लोग हम मेरे जैसे हो, मेरे जैसे सोचते होंगे, मेरे जैसे रहते होंगे, मेरे जैसे आदत रहना, अपन सोचते हैं ऐसा, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज वी आर डिफरेंट वी विल हैव क्लैश, यू विल थिंक अरे सर को मैं बोला कल वो डीलर से बात कर, सर बात करने को रेडी नहीं है, राइट, ही हैज एन ओपिनियन, आई हैव एन रीजन, आई हैव एन ओपिनियन, सो दिस आर क्लैशेस, मेंटल क्लैशेस व्हिच इवेंचुअली बिकम वर्बल क्लैशेस, एंड दिस इज ऑल बिकम बिकॉज वी आर ऑल हैविंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज, उसको क्या हो गया, लेट अस सी कि पर्सनैलिटीज क्रांति हो गया, एक किताब है जिसके अंदर All of us, दुनिया में जितने भी लोग हैं, okay, all of us can be divided into four types of personalities, okay, all of us, जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, all of us can be divided into four types of personalities, मैं पहले personalities यहाँ पे लिखूंगा, okay, personality का profile लिखूंगा, okay, then we try to assign each of them in that personality, okay, now there is one personality called as choleric, okay, दूसरा एक पर्सनैलिटी होता है मेलनकोली, पर्सनैलिटी आदमी वो होता है जो हमेशा उसको जब बात सुनते हैं ना, ही इज वेरी डिमांडिंग, बहुत डिमांडिंग पर्सनैलिटी रहता है, आई वॉन्ट यू टू डू दिस, आई टोल्ड यू टू डू दिस, वाई डिड नॉट यू डू दिस, राइट, दीज पीपल आर कॉल्ड कॉलेरिक पर्सनैलिटी, आई एम ऑलवेज राइट, उन लोग का दिमाग में वो चलते रहता है, आई एम ऑलवेज राइट, दे ऑलवेज थिंक लाइक दैट, ओके, डिमांडिंग एंड डोमिनेटिंग, डिमांडिंग पर्सनैलिटीज, ओके, अच्छा बाय द वे बिफोर आई टेल ऑल दिस पर्सनैलिटीज एक चीज मैं डिस्क्लेमर बताता हूँ, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग पर्सनैलिटी, ओके, यू समझो कि यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे बनाना है, और यहाँ पे आप समझिए कि ये क्या कहते हैं उसको अनानस है, ओके, और समझो नाउ पाइनएप्पल, अभी ये आर दिस फोर डिफरेंट फ्रूट्स सेम और डिफरेंट, इज दिस बेटर देन दिस, यस, इज ऑरेंज बेटर देन एप्पल, ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट, ऑल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई ये नहीं बोल सकता था केला एप्पल से अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, राइट, समझ में आया ना, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग पर्सनैलिटी, हैव यू गॉट दिस क्लियर, सो डोंट एवर थिंक कि दिस इज गुड और दैट इज गुड, नो नो नो, ये गुड बैड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इट इज जस्ट अ पर्सनैलिटी, ओके, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं हम, अरे डस्टर
आंटी डॉक्टर इकड़ा Yes, why? Why? Yes, sir. Chalo, we'll continue.
ओके okay, उसके बाद क्या करेंगे, सबको एक डब्बे में डालेंगे, सबको एक डब्बे में डालेंगे. अभी लेट अस गो टू द थर्ड पर्सनालिटी व्हिच इज कॉल्ड द मेलंकोलिक पर्सनालिटी. मेलंकोलिक पर्सनालिटी मतलब वो लोग जिनको माइन्यूट डिटेल बहुत पसंद है, हर एक चीज बारीकी से करेंगे. उन लोग दे आर डेटा ओरिएंटेड. डेटा ओरिएंटेड, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ डेटा ओरिएंटेड. बोले तो क्या डेटा ओरिएंटेड बोले तो एक्सेल शीट आना जरूरी नहीं है. ओके डेटा ओरिएंटेड बोले तो घर में आकर उन्हें टूथपेस्ट यूज कर रहा पर्सनैलिटी का घर में भी कोई हो, मे बी मदर मैट भी ब्रश पीपल ऑन द रॉन्ग साइड.
मतलब दे डोंट लाइक टू हैव अ फाइट विद एनीबडी, दे डोंट लाइक टू हैव अ फाइट, दे आर पीस पीस लविंग पीपल, पीस लविंग पीपल, ओके। उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर पीस लविंग पीपल, वो कभी किसी से झगड़ा भी जाएंगे नहीं, झगड़ा हो रहा तो पीछे हटेंगे, राइट। समझ में आया फ्लैगमैटिक पर्सनैलिटी, ओके, तो दे आर पीस लविंग पीपल, समझ में आया। अभी यहाँ पे कौन है पीस लविंग पीपल, कौन है, तौसिफ, तौसिफ, विनय, 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 लेट अस सी, ओके। सो आई एग्री, तौसिफ इज दैट पर्सन की, भास्कर इज दैट पर्सन, राइट। मोटा मोटा आएगा आपको आइडिया, दे डोंट, दे आर पीस लविंग पीपल, दे डोंट लाइक टू रफ पीपल ऑन द रॉन्ग साइड। अभी ये मोटा मोटा आपको चार पर्सनैलिटीज आ गए ना, हर पर्सनैलिटी में, हर पर्सनैलिटी में दो, एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी रहता है, एक क्या कहते हैं उसको, रिसेसिव पर्सनैलिटी रहता है, एक का डोमिनेंट पर्सनैलिटी, आई एम सैंग्वाइन बट आई विल हैव वन ऑफ दिस थ्री एज ए डोमिनेंट रिसेसिव पर्सनैलिटी, मतलब सेकंड पर्सनैलिटी में भी वन ऑफ दिस थ्री रहेगी, एक मेन रहेगी जो विच यू कैन इजीली सी, ओके, एंड अदर विल बी रिसेसिव पर्सनैलिटी। अच्छा गांधी जी यहाँ पे, गांधी जी वाज प्रैग्मेटिक, ओके, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जैसे हिटलर यहाँ पे थे, गांधी जी यहाँ पे, गांधी जी पर्सनैलिटी वॉज प्रैग्मेटिक पर्सनैलिटी, सो नथिंग राइट रॉन्ग, ओके, नथिंग राइट रॉन्ग। गांधी जी को अगर आपने देखा होगा, ही वॉज ऑलवेज अ सॉफ्ट मैन, वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, नेवर लाइक टू, बट ही स्टिल अचीव सच अ बिग गोल, राइट। सो इट्स नथिंग टू डू विद गोल, पर्सनैलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। गोल इज नॉट रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, गोल इज रिलेटेड टू योर मिशन, क्या करना है आपको लाइफ में, एंड हाउ यू वांट टू अचीव इट एंड ऑल दैट, राइट। सो दिस वाज सो डिमांडिंग, बट सो नथिंग टू डू विद पर्सनैलिटीज, सो लेट अस नाउ लुक इनटू ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कौन कौन कहाँ कहाँ फिट होता है। भाई मेरा टिकट कट गया, राइट, इसका कट गया, वाहिद का भी कट गया, रत्नमाला का भी कट गया, सभा कहाँ फिट होती है, ये अभी नाउ आई टोल्ड फोर पर्सनैलिटीज, राइट। Where does Sabha fit into it? उसका मेन पर्सनैलिटी क्या है? ओके, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ओके, पहले सभा का बताओ, उसके बाद में ये पॉइंट बताऊंगा, सभा कहाँ फिट होती है, ऐसे पर्सनैलिटी, सभा का पर्सनैलिटी क्या है, Where does Sabha fit? Is she a choleric? What you do when you don't understand somebody's personality? What you do? Suppose everyone has given exams, right? आपका एक क्वेश्चन है, एक्स इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर, ऐसा कुछ तो भी एक्स ये है, यू हैव फोर ऑप्शंस, इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट, इज दिस करेक्ट। अगर आपको मालूम नहीं है क्या करते हैं, व्हाट डिड यू डू, मैंने नहीं, वो तो बहुत तुक्का वाली बात बात हो गई, व्हाट डू यू डू, एलिमिनेशन। इफ यू डोंट नो द आंसर करेक्टली फॉर दिस वन, कि 1, 2, 3, 4 है, यू नो 4 इज डेफिनेटली नॉट आंसर, दैट्स व्हाट इज एलिमिनेशन थ्योरी, राइट। अरे ये तो नहीं है, चांसेस, ये भी शायद नहीं, राइट, दिस इज व्हाट यू डू, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, करेक्ट, दिस इज पास एग्जाम, करेक्ट, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, एग्जाम मुझे लगता है दोनों के बीच में यही है, तो व्हाट यू डू, एलिमिनेशन करते हैं, राइट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, समझ में आया ना, ये जो आप स्कूल एग्जाम में कैसे करते हैं, अभी लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ सभा, ये सभा कॉलरिक, सभा कभी बोलती है आई एम राइट, यू डू दिस, व्हाई डिड नॉट यू डू दैट, हां नहीं बोलती, और एनीवन एल्स, अरे बोलो ना सर, हां तो हां ना तो ना, मेरा जो भी है वहां का कैरेक्टर, अब बस हां विकास बोलेगा फर्स्ट में, नहीं also a sanguine, her personality is also a sanguine person, right? So
her dominating personality is sanguine. Most of the time, there might be some recessive personality also. One of these three. Okay? Dominating पहले निकालेंगे. Okay? So, इसको भी आपको भी ticket कर दिया. Wife का कर दिया. Raj का. Raj is what? Vinay, you have to tell. How you tell like this? Tag. Down. Raj is what personality? Bhaskar, तेरा भी ticket कर दिया. Raj is what personality, sir? Raj, you should tell. Let others say, sir, I also do not know. Okay. Now, when you don't know, this is an important point of the relationship. When you don't know your personality, what you should try to do is, you should use this 1, 2, 3, 4. Don't you, Anna? You remember this 1, 2, 3, 4? Ek equation hai, E is equal to MC square, right? 1, 2, 3, 4. Yeah, use the formula. I definitely am not this. You start like that. What are you definitely not in this? What you are not? You don't tell what you are. You tell what you are not. What you are not? I'll go with 3, sir. 3 was happy. Yeah, which you are seeing 3. You are telling you are this. You tell me what you are not. First one, sir, I'm not. First, he is not. Right? I agree with you. Yes, Swami Ayam Panda. I agree. He is not the first characteristic. He is not the one. Right? So, he is not that. We come to what you are. Okay? Abhi, Udhi, kya bol raha? He is this. Now, he is a little, you know, you give him some task, you will not forget it. But toothpaste wala aati hai. Jab bhi jaake unka toothpaste dekho, last tak nikal kar le. झाड़ू ऐसे गिरे से तो बराबर उसको करके पौधे में लगाता था. Am I right? Yeah, yes, no. Sometimes yes. When thing is not as I do you like pens like I take pada ekdam pada generally so you are not there so you are most likely this and the one orange personality रहेगा. Okay, you might be this. In my opinion you are this. Okay. One is recessive and one is dominating personality. Okay? तौसीफ कहाँ आता है? तौसीफ आपको बोलो पहले आपकी पर्सनैलिटी कौन सी? फोर्थ फोर्थ बोले तो अभी कौन सा ये वाला I agree. He is a fourth personality, right? उसका एक और एक पर्सनैलिटी उसका एक मेन पर्सनैलिटी ये सेकेंड पर्सनैलिटी ये उसको कुछ भी काम दे दो ना ऐसा आधा नहीं पड़ता मतलब वो घर पे वो कुछ वायरिंग का काम रहने दो सीरो टेप का काम रहने दो चिप एकदम परफेक्ट काम जो करते हैं ना वो अगर किसी को ये होना है क्या है मतलब एक टेक्नीशियन वॉच रिपेयरर का काम जैसा वो लोग अगर आपको हायर करने का आपकी कंपनी में अगर काम उस टाइप का है तो आपको माइन्यूट आपने घर पे काम कैसे किया है यू नो सम पीपल हैव सीन द वे दे यूज अ पेन हाथ में घुमाते रहते इंटरव्यू के आया था ऐसे करते रहते सामने ऐसे आदमी को एक कभी टेक्नीशियन बन के मत हायर करो राइट इफ ही कीप्स हिज पेन प्रॉपरली ओके मतलब उसका ढक्कन भी बराबर फिट होना और वो ज्यादा भी ऊपर नहीं आना तो वो आदमी करेक्ट रहता टेक्नीशियन के लिए राइट अंडरस्टूड दैट सो ही इज अ मेलनकोली एग्री ही इज टॉसिफ इज फ्लैगमेटिक विद सेकंड पर्सनैलिटी उसका ये यासीन आपका सेकेंड मंथ तो कौन सा सैंग्वाइन पर्सनैलिटी मेन और एक सेकेंडरी रहेगा इसमें से लास्ट वन फ्लैगमेटिक मेन है टू एंड फोर समझ में आया फन लविंग मैन ओके फन लविंग मैन पीस कीपिंग मैन राइट ओके इसका रहेगा ये सबका हो गया कल्याण योर्स मे बी दिस वन प्लैगमेटिक ओके वॉट एल्स मे बी दिस योर मेन रिसेशन रिसेसिव पर्सनैलिटी दिस वन राइट हाउ डू यू सी दैट इसका हैंडराइटिंग किस किसने देखा है हाउ मेनी हैव सीन हर हैंडराइटिंग नाउ विद यू डस हाउ इज हैंडराइटिंग राइट ये जो सैंग्वाइन लोग है ना ये जो लोग रहते हैं ना इनका ए ऐसा रहता है इन्हें जब ए लिखती ना Am I right? Right? So I mean, I see the differences, right? She is that melancholy log जो है जब A लिखेंगे तो A का ये जो shape root रहता है ना वो भी एकदम perfect
way they write, you know, those, if you look at that, you will come to know that they are very, very, very precision oriented. Okay? So, understood, right? These are sanguine guys like me. Okay, now who else is left? Sujita. Fourth one. And one more personality? Second. Correct? Fun loving person. Samjha? Now let us, Pooja, tera to ho gaya. Bhaskar ka, tera to pehle kar gaya tha hamare saath. Theek hai. Dinesh. Phlegmatic and sanguine. Which is mean? Sanguine personality. नहीं बाहर गया क्यों वो कोरियर को गया पानी की पर्सनैलिटी क्या है सैंग्वाइन क्लियर राइट वेरी क्लियर फन लविंग पर्सन करेक्ट एक बार तो ना रास्ता हाँ तो बोल फोर्थ व्हाट फ्लैगमैन ओके नाउ अभी आपने ऑफिस अभी राजेश सर का पर्सनैलिटी क्या है इसमें फर्स्ट वन थर्ड वन थर्ड इज विचार नाउ यू टेल मी अभी आप Now you understood the personality, ना four types of ये पूरा world में जितने भी 6 billion लोग हैं सबको आप ये चार bucket में डाल सकते हैं okay put all the people in these 4 buckets okay now I want to you to tell some cases from your family and friends very clearly उनका personality ऐसा है बोल के आप बोलना तो आप like you want to tell about someone in your family you don't have to tell the name or relationship but my mom is like this you can tell or my you know my mom fits in this or my brother fits in that very clear definitions of that personality yes my brother fits in second one sir yeah sanguine acha let me give this numbers sanguine ye second bolta hu isko this is first this is third and this is fourth okay your brother fits in second one fun loving guy my father also fits in that my mother fourth one your mother fourth one okay मेरा भाई का बताता हूँ नंबर वन उदय दिस इज द वे टू वेट नहीं सजेशन दे रहा हूँ नहीं मैं बोल दिया बस इतना ही सर ये ऐसा करें तो उसको मुझे तो मेरे भाई के साथ काम करा तो उसको अंडर करना ऐसे ना बस कट 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 देर इज नो डिस्कशन देर इज नो नथिंग तो फिर काम को जोड़ा जाने उधर उसको मिलने का काम करने का आज नहीं पड़ता तो मैं ब्रदर कैटेगरी वन में आते हैं ओके नेक्स्ट एनी अदर आपके कोई मदर अंकल कोई क्लियर पर्सनैलिटी रहना उसको छोटा भाई क्या होता है थर्ड में आता मम्मी थर्ड में मम्मी थर्ड में आता पापा सेकंड में पापा सेकंड में आते ओके मतलब फन लविंग कैरेक्टर ओके तो जी भाई पूरा सेकंड में आता है सेकंड में आते हैं मम्मी थर्ड में थर्ड में आते क्या एकदम बारीकी काम होते बर्तन धोए तो एक ही ऐसा दाना नहीं रहना उसके ऊपर और राज यू आर फ्रॉम योर फैमिली यू आर वाइफ अभी मालूम नहीं है सेकेंड एंड थर्ड सर सेकेंड और थर्ड योर वाइफ ओके अच्छा और एक चीज जो मेलनकोली लोग जो रहते हैं आई लास्ट यू अ क्वेश्चन हियर घर जाने के बाद कपड़े कौन नीटली निकाल के हैंगर में रखता है मेलनकोली मेलनकोली राइट मेलनकोली आपका सेकेंड पर्सनैलिटी है वो सो नथिंग रॉन्ग आई नो आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राइट इन ऑल दिस थिंग ये पेन आई डिड पढ़े नथिंग रॉन्ग साथ में रखे तो नथिंग रॉन्ग बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों में आप जब ऐसे लोग पेन हमेशा ऐसा रखना चाहिए बोलते आप मैं बोलना ऐसा रखते बोथ आर नॉट रॉन्ग बोथ आर नॉट राइट करेक्ट है ना बट इट इज अ पर्सनैलिटी डिफरेंस यू रिमेंबर व्हाई क्लैशेस हैपन क्या लिखा है नॉट इन द सेम वेवलेंथ सो यू आर नॉट इन द सेम वेवलेंथ आई एम नॉट इन द सेम वेवलेंथ आपके लिए ये ऐसे रखिए तो ही करेक्ट है बिकॉज यू आर बॉर्न लाइक दैट फॉर मी इस्तेमाल करना है खत्म हो गई उसकी जान एक
मेकर समझ में आया ना, नाइदर आई एम राइट नॉट यू आर राइट, नाइदर यू आर रॉन्ग नाइदर आई एम रॉन्ग, समझ में आया फंडा, समझ में आया, क्लियर आया ना? ओके अच्छा जब भास्कर का जब टर्न आता है ना अगर मैं रत्नमाला को ऐसे पेन क्यों रखा पूछूंगा, अगर उसने मुझे गुस्सा किया तो मुझे बुरा लगता है, मैं ओके और अगर पेन ऐसा है मैं सर को बोलूंगा सर ये पेन ऐसे ऐसे दूर क्यों फेंक के आ गए, सर कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लगेगा, सर को बुरा लगेगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, दिस इज साइकोलॉजी गाइस, क्लास गाइस हैव फन, इज इट राइट? This is what is going on in your mind, Bhaskar? पहले अपन देख कर लेंगे अपना अपना बकेट, अपन अपने एक बकेट में घुसा लेंगे, बेटी को बात तो घुसा, बेटी तो अभी बहुत छोटी है, क्लियर है? सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस फोर पर्सनैलिटीज, वेरी क्लियर. Now, और एक चीज पूछता हूं मैं, ओके सो आई टेक एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर, ओके नाउ सचिन तेंदुलकर को व्हेन ही इज डूइंग द बैटिंग, जब उन्हें बैटिंग कर रहा अलग अलग बॉल आते हैं उसको, करेक्ट? कभी फास्ट बॉल आता है, वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहा तो फास्ट बॉल आता है, बाउंसर साथ बॉल आता है, करेक्ट? कभी बाउंसर आता है, कभी शॉर्ट बॉल, कभी स्पिन आती है, कभी शॉर्ट बॉल आती है, मतलब नॉट ओनली मतलब किसी भी बैट्समैन को अलग अलग किस्म के बॉल आते हैं, राइट? क्या वो बल्ला सेम घुमाता है हर एक बॉल के लिए? क्रिकेट कौन खेलता है यहाँ पे? क्रिकेट क्रिकेट है. विल सचिन तेंदुलकर स्विंग हिज बैट सेम वे फॉर एवरी बॉल? व्हाट डज ही डू? Depending on the ball, he plays his game. Right? अगर fast ball है उन्हें slip करता उसको, what do you call, sneak करता उसको, अगर bouncer है तो बैठ जाता खेलता ही नहीं, करेक्ट है ना? नहीं bouncer जा मैं मारूंगा इसको छक्का मारता है, मारता क्या मैं मैं मारूंगा इसको कैसे भी करता, मेरे को छक्का मारना है, ऐसा करता क्या है? What does he do? He let it go. वही करता है ना? बॉल बदल गया उसका खेलने का तरीका बदल गया, राइट? स्पिन आया या तो छक्का या तो आउट, डिपेंड्स. हाँ स्पिन में उसको मालूम हो गया अरे इसको तो उड़ा सकते बोल के, करेक्ट है ना? या तो आउट या किनोस वो बॉल को कहते हैं कि खेलता हूं, कुछ और बॉल है शॉर्ट बॉल है भाग कुछ भी कर लेता हूं, शॉर्ट बॉल को रोकता नहीं तो कुछ भी करेगा, वाइड बॉल है छोड़ देगा, सीधा रैकेट बैट पे आ रहा है खेल लेता हूं. सो व्हाट डज इट मीन? तो व्हाट डज इट मीन इफ यू नॉट हैव ए वेल, सचिन तेंदुलकर क्या कर रहा है? डिफरेंट बॉल के लिए डिफरेंट तरीके से खेल रहा हूं, करेक्ट है ना? Now, when all of you are different, why do you want to play like Sachin Tendulkar? समझ में आ रहा? जब सामने से बॉल आ रही है भास्कर से, जब भास्कर बॉल डालेगा I have to play differently with भास्कर, जब सपा डालती है तो I have to play differently, when रत्नमाला puts the ball I have to play differently and when तौसीफ puts the ball I have to play differently. Can I say same thing to all of you? मैं आउट हो जाऊंगा, करेक्ट है? So we have to understand the other. First you have to understand your own batting. कि मेरी personality ये है. So if you know your personality, you know what you are going to talk excess or talk less or talk wrong or talk right. How do you know that whether you are talking right or wrong? Don't think from your perspective, think from the other person's perspective. हमें तो हमेशा लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, right? But सोचो उनके point of view से. From master's point of view, if I tell like this, what will happen? What master will think of? थोड़ा उल्टा करो, thinking को थोड़ा फ्लिप करो, ओके? यादव फोन बजा.
इंटरेस्टिंग है सर्टेन नो यस सर यस सर Suppose your boss is choleric and you are phlegmatic. Possible? Right?
हो सकता है यहाँ पे या किसी और कंपनी में इधर भी जो है ना, यू माइट हैव ए पर्सन योर बॉस इज कॉलरिक, आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड नॉट यू डू, दिस काइंड ऑफ बॉस विल ऑलवेज बी हियर, राइट? इफ यू आर फ्लैगमैटिक डोंट टेल नो सर आई डिड इट नो, ऐसा बोले तो उठा के फेंक देता बोले बोर्ड वाला सो गया. Then what you have to do as a phlegmatic, you should know that this person has high ego. Satisfy the ego or massage the ego. So unko bolna sir, agar usne bol diya aapko, I told you to do it. Why you not done? Sir, whatever ideas you can do, sir, they are brilliant. Kya ho? What happens with this statement? Right? Huh? Oh, very good, Kalyani. So, Kalyani is now in good books of the boss. Then Kalyani, sir, I want to go. Go Kalyani, go and enjoy. अगर उसका बॉस मेलन के लिए
मैंने पहले एक केस लिया कि कॉलरिक बॉस है, कॉलरिक स्टूडेंट ये है रिपोर्टिंग ये। अभी यहाँ पे थोड़ा बदल रहा, बॉस बच्चा जो है रिपोर्टिंग का ये कॉलरिक, बॉस इज मेलेंकोलिक। हाँ लीव अप्लाई किया क्या? अगर मैं मेलेंकोलिक हूँ तू पूछता है मेरे को सर मेरे को कल छुट्टी चाहिए, मैं पूछू अगर मैं मेलेंकोलिक हूँ लीव अप्लाई किया क्या? कितने बाकी है लीव? तो दो दिन पहले लीव अप्लाई करना चाहिए था, करा क्या? तेरे पास पूरा एक साल का डेटा निकाल लीव का, कितना निकाल बाकी है, कितने यूज किया तूने? दिस इज मेलेंकोलिक। उन्हें गुस्सा नहीं करता, उन्हें डेटा से मारता, इंफॉर्मेशन से मारता उन्हें, राइट? अगर तेरा बॉस ये है तो छुपके लीव फॉर्म लिख के नहीं जाना, ठीक है मैं लोग कल छुट्टी ले लूँगा, क्या तेरा पूरा डेटा लिख के आना कि मैं पिछले 12 महीने से काम कर रहा हूँ, मेरे को 30 छुट्टी मिलने चाहिए, उसमें से मैं 12.5 छुट्टियां मैं आधा दिन की छुट्टी गया था सर, उस दिन भी फॉर्म भरा। तो बॉस क्या होता कि 0.5 को देख के खुश होता क्योंकि उसको नंबर्स पसंद है, तो है ना, उन्हें ये नहीं देख रहा तू 12 लिया या 10 लिया या कितना लिया, नहीं देख रहा, उन्हें 0.5 को देखता हूँ। तो अगर तेरा बॉस मेलेंकोलिक है तो तुम डेटा के साथ बात करना उसके साथ, तो उन्हें क्या होता, बॉस खुश होता नहीं होता, लीव सैंक्शन करता नहीं करता, करता, राइट? You understood this example? Now let us take an example of sanguine, right? Sanguine personality ka, agar boss sanguine, okay? And you are melancholy, ho sakta? Possible? You are melancholy, boss sanguine. Ab isko kaise pataoge aap? I'll take questions from you, answers from you. Aap melancholy hai and your boss is sanguine. How will you approach? You are the best case. You. I ask directly because my boss is understand. Okay. Or yeah, or yeah. I think it's wrong example. Wait. You, I am this man. Okay. You have to approach me for leave. How will you approach? You come with the party. How will you approach? Basket. Now, Sabha, you. Let, I think Sabha will. Because boss is life of the party. So, first thing when he enter only, he will have the full expression on his face. He said tomorrow I need a leave, so we would have to enjoy the celebrations, everything. He goes according to your mind, what your character is at. So, when you want to take a leave, you tell, sir, I want to have party tomorrow at home. Okay, go ahead, have party. Right? मौके का फायदा, मौके का फायदा। Create fun in that atmosphere if your boss is a sanguine.
ही लाइक्स फन, तो आपके बॉस एंक्वायर टू क्रिएट अ फन एनवायरनमेंट। ये क्लियर है? सपोज योर बॉस इज सैंग्वाइन, व्हाट टू डू? एट लीस्ट बीफ में तो वेरी वेरी क्लियर है। नाउ कम टू सपोज योर बॉस इज फ्लैगमैटिक, आपके बॉस जो है गांधी जी। ओके, सपोज योर बॉस इज फ्लैगमैटिक, बॉस उसका क्या है पर्सनालिटी? इज अ पीस लविंग मैन, राइट? डज ही फाइट? Does he like to fight? No. Does he want to argue with you? No. Correct? So, क्या करना है? यहाँ बहुत सिंपल है। Suppose your boss is phlegmatic. Leave form भरना है। Leave form भरना है। Yes sir. कल को छुट्टी चाहिए, sign कर दीजिए। You are telling him to do his work. His work. समझ आया? That is a personality, nothing wrong. You are just telling him to do his work. Sir, I want to take you, please sign on this form. And he will sign it. Why he will sign it? Because it's wrong. Because if he says why you want to leave, friction. If he says, if he asks a question, uske dimag mein kya chalte rehta? If I ask my subordinate why you want to leave, wohne mere ko poochta, sir, aap pichli baar liye na, friction start ho gaya na. He doesn't like friction. Correct? तो उसके लिए उन्हें चुपचाप बोलता साइन करना अच्छा है। ऐसे कभी हुआ है क्या? मैंने एक एग्जांपल लिया टेबल, आई वांट यू टू डू दिस एक्सरसाइज, ऐसा कभी हुआ है? वी ऑलवेज टॉक विद whom? ह्यूमंस। एंड ह्यूमंस में भगवान ने हर एक के ब्रेन में एक अलग कंप्यूटर डाला है, अलग प्रोग्रामिंग, और वो प्रोग्राम जाना जरूरी है। समझ आया? टेबल को हम बात करें, टेबल वापस नहीं करता, उसके लिए टेबल इज अ फ्रेंड। के कभी देखा है टेबल को और मेरा झगड़ा हुआ है? हुआ है कभी? हैव यू एवर सीन? सर बैठो सर, आपका भी कैटेगराइजेशन हो गया सर। तो झगड़े हमेशा किसके बीच में होते? लोगों के बीच में होते, कभी टेबल और आदमी के बीच में कभी नहीं हुआ होगा, राइट? कभी आदमी और जानवर के बीच में झगड़ा हुआ है? झगड़ा नहीं होता। हाँ, कभी कभी इक्वल्स रहता है उनको भी, कभी कभी, नॉट मेनी टाइम, बट ये सम टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव यू एवर सीन अ मैन एंड अ कैट फाइटिंग? कैट एंड कैट फाइट, बट मैन एंड कैट क्यों? स्मॉल, वो भी कुछ भी रहता है, बट हाँ आई एम टेकिंग एग्जांपल की टेबल के साथ हमने कभी झगड़ा किया है?
we never fight happens between people. Clashes always happen between people. And the reason is because the personality, every person in this world is different. So we just need to know what a konsa type of ball hai. Depending on the ball, you play the bat. Clear? Then you will be able to score good. Right? Yeh yaar ko Sachin Tendulkar ka example. शॉर्ट बॉल आया एकदम हाई पिच में जा रहा मैं ऐसे मत करना वैसे उसमें क्या हो जाओगे आप भी आउट हो जाओगे ये भी हो जाएगा सब हो जाएगा राइट हिट द बॉल द वे द बॉल इज इज दिस क्लियर एनी डाउट्स ऑन दिस नाउ गेट इनटू सेकंड चैप्टर अभी हम लोग दोनों आ रहे हैं क्या सेकंड चैप्टर डालेंगे क्या बात अरे वाइफ कहां चली गई आपके मैडम आपके फैमिली में एनी वन यू कैन टेल सॉरी थर्ड वेरी डेटा ओरिएंटेड वेरी वेरी एनी चीज बारीकी से देखती है Because I've seen him cracking so funny jokes with my dad.
वेरी फनी जोक्स, कुछ भी मतलब कुछ बोलूंगा तो आप हंसते रह जाए कुछ भी <लाएं। laughs> my mom is between these two, okay, is this, I would say this is more this, okay, recessive would be this in my mom's case, and my dad, he was this and recessive will be this, okay. So if you put my mom is this, my dad is this, main personality is agar looking at it, okay, this is what it is. I am this, my sister is this. कंपनी बिकॉज आदि हमारी निकल गई है ये यूजफुल है तेरे लिए
तेरे लिए, तेरे लिए, भाई तेरे लिए, तेरा भी कट गया, यू कैन यूज इट स्टिल, अभी अभी है, ओके? अभी कुछ बता रहा हूँ, अच्छा सीख लेना, जिंदगी जिंदगी शादी होनी है, ओके, वेरी यूजफुल, ओके? टू गाइस, मियां बीवी में फ्रिक्शन कैसा नहीं होना, उसके ऊपर क्या ये जाता है, ओके, इट इज कॉल्ड Let me, before I tell the chapter, let me give us an example. It's sort of personal, but is it okay? And if I ask somebody some personal questions? No problem. Speak for us. Okay, I'll start with mine. Yeah. Okay. I'll start with mine. Between me and my wife, always, I think I'm giving you some examples, okay? When she makes tea, she keeps it, she'll ask me. अभी किसी को अभी गेस्ट आ गया आपके घर में, पूजा के गेस्ट में, घर में फिर पूजा ही आ गया
पूजा करके आया। अब पूजा को चाय देने का, अब आई एम नॉट एट सर्विस ओरिएंटेड का है ना, चलो शक्कर नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, चाय का पानी चाहिए, पानी पानी चाहिए। अरे तनिषा ना देखने को है क्या पानी लेके आने वाला इस टाइप के लोग रहते हैं। आई अंडरस्टूड दिस पर्सनालिटी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर बाद में उनको एक नामा देते रहूँ, ओके यू अंडरस्टूड दिस राइट। तो हमने कितने एग्जांपल्स कवर किए, एक बार फोर एग्जांपल्स कवर किए। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा था, वो योर मदर्स केस, दाल कैसा बना, चाय कैसा बना, राइट एवरीथिंग। सेकेंड केस क्या था, सारे गिफ्ट मिला था 800 रुपए का, ठीक है मैं पहन लू, हमारे में चले जाता 8 महीने नहीं निकलता हमने। ओके वो सेकंड केस था। थर्ड केस क्या था, बिस्किट होना क्या है, चाय होना है। और एक चौथा केस क्या था, नहीं बोले वो उसका अपोजिट केस था, सर्विस का अपोजिट केस था। वो चौथा वाले केस बताया मैंने, आना खाते हो टीवी क्यों देख रहे, गुस्सा गुस्सा बोलो या एक 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 वो अपने वैसे टीवी क्यों देख रहे, एक हो गया। अभी आपके घर में भी होता होगा, कितना मोबाइल देखते हैं, मैं बात कर लूंगा तुम्हारे साथ, सुनिए डरा कोई तो बोलता है। बट बोलते कुछ लोग ही बोलते, सब लोग ही बोलते, कुछ लोग ही बोलते, ये कुछ लोग ही बोलते। मैं तुम्हारे बात कर लो ना, तुम टीवी मोबाइल क्यों देख रहे, अभी वर्ड दिस डायलॉग समय नहीं, वर्ड दिस डायलॉग राइट, दिस इज अ फोर्थ केस राइट। Have you seen these people? कोई भी आया ना घर पे, have you seen this case? Even if ladies will be रहता है, kids will be रहता है, even if it is some ladies or gents, it's not included with anything. Okay? कुछ भी आया ना, कोई भी आया ना, bro, turn off. Have you seen this? Some people go बहुत कोई भी आ रहे आ जा रहे कोई अंकल आ गया तो अरे मेरा बेटा कैसा है मेरा लाल है, अरे मां जी कैसे हो, मां जी ये ब्रीफ भी लाइक दिस करने वाले थे, दे आर कॉन्स्टेंटली व्हाट टचिंग टचिंग, अरे दिस साइड टचिंग। हां कोई भी कोई रहता, हर एक के घर में कोई अंकल आंटी बच्चा बच्ची रहता, आप वो टच करते रहते, दे कीप ऑन कॉन्स्टेंटली टचिंग, दे लाइक दैट टच। यू सो आई यू माय ओन केस
फाइव लव लैंग्वेजेस. मतलब इसका मीनिंग क्या है? व्हेन यू फर्स्ट एग्जांपल इज क्वालिटी टाइम. मैंने जो दिया था ना एक एग्जांपल क्वालिटी टाइम, खाना खाते वक्त टीवी मत देखना. मतलब व्हाट इज शी टेलिंग? स्पेंड टाइम विद मी. हर लव लैंग्वेज, हर और हिज लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम. एवरीवन हैज अ लैंग्वेज. मैंने पहले क्या चीज यहाँ पे बताया था, एवरीवन हैज अ पर्सनालिटी. यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, एवरीवन हैज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. हिज लैंग्वेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम माय लैंग्वेज, योर लैंग्वेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम हर लैंग्वेज, एवरीवन लैंग्वेज विल बी डिफरेंट. वो इंग्लिश, वो बात करने वाली लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर लैंग्वेज, हाउ वी बिहेव नेचुरली. हमारे क्या पसंद है, दिल से क्या पसंद है, वो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ. तो यह वन इज क्वालिटी टाइम. सो यू गेट दिस मैसेजेस एवरी टाइम. मैं बात कर रहा हूँ ना, तो क्यों मोबाइल देख रहा है? मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ. सो दे वांट व्हाट? अटेंशन. सो दोस दैट इज अ लव लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सन. दिस आर दैट लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम. सो इफ यू आर हैविंग, किसी ने भी आपको अगर वो डायलॉग बोल दिया एक बार कैच कर लेना, उसके सामने मोबाइल देखते बैठना मैं तो उनको गुस्सा आया. अंडरस्टूड ना? सो उनका लव लैंग्वेज क्या है, व्हाट यू डू. लव लैंग्वेज अगर आप दो लोगों को पढ़ाना है तो यू हैव टू स्पीक इन सेम लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज. सेम लैंग्वेज, यू हैव टू टॉक इन द सेम लैंग्वेज. हर सपोज इफ सुजिता लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम, देन आई शुड ऑल्सो रेस्पॉन्ड दैट इन क्वालिटी टाइम. इफ शी डजंट लाइक दैट यू नो आई फोकस ऑन समथिंग, व्हेन शी टॉकिंग टू मी आई फोकस ऑन मोबाइल फोन टीवी और न्यूज़पेपर, शी विल नॉट लाइक. सो आई प्रिफर टू टॉक विद हर इन द सेम लैंग्वेज. अरे वो चल रहा है, वैसे बंद हो गया वो आगरा में. बानी का पर्सनैलिटी क्या है? कीप इट इन सैंग्विन पर्सनैलिटी. अभी मिस हो गया, अभी यार वीडियो देखते थे, यू लॉस सम फन. ओके थोड़ा बीच में आ गए मैडम. Yes, okay. I'll give you. Yes, you'll understand. Okay. Some example. So, एक love language है quality time. You understood this quality time, right? Now, second love language is words of affirmation. Okay. Words of affirmation is. What are they expecting? Good. Appreciation. It is nothing but words of. They are looking for appreciation. They don't want wealth. तुम उसको check लिख के तो 10 lakh का, that will not have value. But oh my God, your chai is so good. So this is a language you should understand. आप जिससे भी बात कर रहे हो उनको क्या language पसंद है. And how you come to know that? Depending upon the questions they are asking. If your mom is asking you, beta, nenu chapati chesina etla ayindi chapati vadu manchi undi ante, you know that your mom's language is word of affirmation. Your mom, you don't know, every time she keeps asking chai etla ayindi and all that, she is looking for words of affirmation. My wife, she is there. Open secret, there is nothing. Or chai leke aate na, कभी कभी मैं सिप्पी नहीं करता, उसके पहले मेरा आंसर चल जाता सुपर बना. वो किचन में खुल जाते. ओपन सीक्रेट गाइस, मैं भरोसा करके बता रहा हूँ, अगर लगाएंगे आप किचे ये जो चीज है ना, इट इज सो ब्यूटीफुल वॉच यू नो इट, इट इज वेरी ब्यूटीफुल. यू कैन एक्चुअली ये साइकोलॉजी. तो This is all about, you can actually, once you see, what do you do? आपको जब ये मालूम है कि ये कब जो है ना, आप नीचे फेंके तो टूट जाएगा, आपको मालूम है, right? तो आपको नहीं मालूम है तो you want to do, you might actually throw it and break it, right? तो ये भी जो है, ये दो चीजें जो बता रहा हूँ, ये पर्सनैलिटीज है. Now you know this cup is fragile, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए. जब इसको फेंकूंगा तो चलेगा. अगर मैं मेरी बिल को बोलूंगा चाय फालतू बना, तो मेरा तो समझो बांट लगा. सो यू शुड नो व्हाट इज यू. अभी ये आइटम्स में आपको मालूम है ये फ्रेजाइल नहीं है, देख सकते.
इसको फेंक नहीं सकते, इसको धीरे धीरे रखना पड़ता है। वैसे ही लोगों का पर्सनैलिटी समझ में आ गया दो चीजें, तो मेरे बीवी को मैं गिफ्ट नहीं मिला तो चलता है, आई गेट ट्रोल लाइक, मतलब अगर साड़ी नहीं दिया तो मुझे बट जाए चक्कर नहीं है सुपर दाल कैसे बना ऐसा दाल में जिंदगी भर नहीं खा अरे वो डिस्क्लेमर देके शासन किया मैडम, मैं डिस्क्लेमर आप लगा देंगे उधर इधर से लग जाएंगे इधर व्हाट्सएप घर पे इधर ओपन सीक्रेट्स ओके। तो यू अंडरस्टूड दिस टू लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम एंड वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन नहीं है सीक्रेट बोलता हूँ घर पे आया तो मेरे मैडम चाय में देते मैं बोलता हूँ चुपचाप चाय कैसे आंटी बस तो बनाते मुझे बोल के गया तो चाय के साथ फ्रूट भी आते मिठाई भी आता है खाना भी आता है चुपचाप पी के चले गया अगली बार से सुनता ही जाता बाना पड़े आते जाते रहता घर को। ओके थर्ड लव लैंग्वेज इज रिसीविंग। अच्छा यहाँ पे कौन है हु लाइक्स क्वालिटी टाइम, हु लाइक्स क्वालिटी टाइम, यू लाइक क्वालिटी टाइम ओके, यू लाइक क्वालिटी टाइम, यू लाइक क्वालिटी टाइम और ओके फाइन दैट्स फाइन ओके। योर मॉम लाइक्स वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन एंड यू आल्सो सेड राइट योर मॉम आल्सो योर ग्रैंडमदर माय डॉटर टू शी लाइक बट व्हेनेवर शी प्रिफर्स समथिंग स्पेशल मोर उसका भूख यहाँ से मिलता तीसरा है तीसरा क्या लिख रहा था मैं रिसीविंग गिफ्ट हैव यू सीन सम पीपल हु बिकम वेरी हैप्पी व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट राइट सम पीपल बी वेरी हैप्पी व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट कुछ भी गिफ्ट आया वो एवरीवन दुनिया में सबको मालूम हो जाता फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम को मेरे को गिफ्ट मिला मेरे को फ्लावर का बुके मिला हुआ राइट सम पीपल वेरी हैप्पी बहुत खुश हो जाते कि मेरे दोस्त को गिफ्ट लेके आए सम फ्रेंड्स आई टोल्ड यू दैट सारी एग्जांपल सारी कुछ बचना ऑपोजिट एग्जाम्पल आते ओके फोर्थ वन हमने क्या बात किया था खुशी मिलती है ये सब खुशियां हैं यू आर सीन दिस इज आर ऑल हैप्पीनेस इज आर सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस यहाँ से कोई पैसा नहीं बनना है यहाँ पे लाइफ बनना है या हैप्पीनेस आनी है नो थोड़ी दिस आर ऑल अबाउट हैप्पीनेस ओनली राइट। और फिर पांच क्या बात किया था हमने फिजिकल टच राइट और हाँ ये हो गया ना पांच इट्स कॉल्ड फाइव लव लैंग्वेजेस इट्स रिटन एक किताब है जिसमें एक पर्सन मैंने लेडी मैंने फ्लोरेंस लिप्यूअर एल यू आर एल ई आई यू टी टी आर तो आता है कभी आराम से क्या किताब पढ़ लेना आई एम जस्ट टेलिंग यू द सारांश ऑफ दिस बुक्स टू बुक्स तो दिस आर द फाइव लव लैंग्वेजेस राइट फिजिकल टच का यूज फॉर एग्जाम्पल सो नाउ आई थोड़ा मैं पर्सनल बन जाऊंगा बट इट्स ओके आई थिंक बिकॉज द सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओके इफ यू आर आई एम टेकिंग एब्सोल्युटली फ्रॉम अ मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू यू आर मैरिड प्लीज इंप्लीमेंट द प्रिंसिपल्स लाइफ मस्ट चलेगा अरे ये तो सबके साथ भी चलेगा बट बेटर विथ हस्बैंड वाइफ बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट दे नो ईच अदर मच बेटर बिटवीन द लाइंस अच्छा सपोज अभी मैरिड पीपल आर वन टू शी गॉट मैरिड मैरिड पीपल ओके
क्वालिटी टाइम मतलब क्या है? सपोज इफ द हस्बैंड इज अ पर्सन हु ऑलवेज सेज दैट व्हाइल हैविंग लंच लेट्स नॉट सी टीवी. सो इफ यू वांट टू हैव गुड रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड डू नॉट सी टीवी, डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, डू नॉट सी मोबाइल, उनके साथ बात करो, गिव हिम टाइम. समझ में आया ना? दैट इज द वे टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद अ हस्बैंड और अ वाइफ. डिपेंड अपॉन व्हाटएवर इट इज. सेकंड, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन दैट आई गिव इन 100 केसेस, राइट? मेरा चाय ऊपर जाने से पहले बात चले जाते हैं, चाय से ऊपर बनी बस उतने सुन रहा थोड़ा से. तीसरा, रिसीविंग गिफ्ट. इफ योर हस्बैंड और वाइफ लाइक्स टू रिसीव गिफ्ट्स, डू डू दैट. क्योंकि कल को तेरी शादी होगी, तेरी शादी होगी, तेरा होगा, इसका होगा. अगर बीवी को गिफ्ट पसंद है, एक कैडबरी चॉकलेट ले गया, कैडबरी चॉकलेट लेके आ गया, वो खुश. ओके, व्हाट डू यू लाइक? चलो मैं पांच का कवर कर लेता हूँ, बीच में से आए तो थोड़ा. फोर्थ वाला, एक्ट ऑफ सर्विस इज वेरी क्लियर. सम पीपल सपोज के हस्बैंड इज समथिंग लाइक यू नो उसके कपड़े धो के किए रख दिए, ही लाइक्स यू नो चाय ला के दे रहे हैं, तुम कपड़े धो के रख दिए, तुम उसको लैपटॉप ला के दे रहे हो, एंड ही लाइक्स दैट सर्विस, यू आर द यू आर पिनस. इफ यू हैव अंडरस्टूड हिज लव लैंग्वेज, इफ हिज लव लैंग्वेज इज एक्ट ऑफ सर्विस and you provide all service to him, he will love it. Ulta kar lo, suppose if the wife's love language is act of service, he likes to get service. Ek baar aap kitchen mein jaake aap khana bana, flat, aapke liye main roti banaya, aapke liye sabzi banaya, wo to matlab zindagi bhar aapko Charles, King Charles bana legi. And last wala kya hai? Physical touch. I gave that example also. Some people like physical closeness, some don't. It's a human God creation, some it's a human creation. Some people always will, you know, heart and heart working. Don't go by just married ke baad wala. Over a long period of time, you will see some people, not only with the husband and wife, even like a children. Bacche ke saath, kisi aaju wali auntie ke saath. Auntie aur ek auntie ke saath bol raha hu main, auntie. ठीक है.
Now he did not like the physical touch, which was, I was like, hold it for him. घर पे आया, रिपोर्ट कार्ड देखा, लगा दिया बाजू. मेरे को मैथ्स में 95, साइंस में 95, 99 सब आया. तो जीने बोले, शाम को 5 बजे घर पे आया ऑफिस से. आज रिपोर्ट कार्ड दिखा दो. अब भी है, ये अब भी एंट्री डोज दिल जाओ कि मैं बहुत सोचता हूँ. बाद में मेरे को हिंदी में ये जो है बैड, हिंदी में मेरे को 22 हैरेड है. वो हेडलाइन पे ऐसा खींच के मारे मेरे को फिजिकल मोशन कर कर ऐसा मार देगा. मेरे ऊपर के 5-6 सब्जेक्ट पे 95-99 है, लास्ट के हिंदी में 22/100 है. वो फिजिकल टच एक ही बार करे, हफ्ता भर करे, हिंदी सिखाए मेरे को फिफ्थ क्लास में, आई ही सिखाए. How to manage, how to, you know your
your mother's love language. So talk in that language. My dad is one and my mom is four. Your dad is one, quality time. He likes quality time. You give examples, Kesa. You now just see so many examples. Oh, after going home, I carry phone. Say like, bring my phone, office mein pura phone hai na, abhi talk. You see the words that are coming up, right? So when you know when your dad is there in the house, don't see mobile, talk to him. Pura bahar kadam rakhi chalo. Right, mom? वो तो मेरे के लिए पर्सनैलिटी आ गया यहाँ पे. अब यहाँ पे व्हाट डज शी लव? एक्ट ऑफ सर्विस. व्हिच सपोज तू उसको बर्तन धो दिया उसके लिए, विल शी बी हैप्पी? तो ये रजिस्टर जॉब, ज्यादा लोड मत करो इसको, काम वैसे बिल्ली बिल्ली तो परेशान होगा, मारा तो चल जाएगा. हाँ सभा योर केस. आज सुबह से दो बार टेलीफोन आया, सर आपका टाइम चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है. दे रिफ्लेक्ट, दे यूज दैट वर्ड्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका लव लैंग्वेज क्या है. लव लैंग्वेज इज क्वालिटी टाइम. सो शी इज ऑलवेज टॉकिंग, शी टॉक्स टू मी, आई अंडरस्टैंड. सो या, सो व्हेन शी कम्स डोंट टॉक एनीथिंग एल्स, टॉक ओनली दैट. आपका आपको हस्बैंड क्वालिटी टाइम दे रहा है. इफ ही आस्क्ड विद यू व्हाट हैपेंड इन ऑफिस टुडे,
विल बी हैप्पी राइट. बट उन्हें लैपटॉप पे काम कर एम एंड का ऑफिस विल गेट अपसेट राइट. So now, once I have understood, Abhi can I tell you? I'm just going to you. This is personal, but I'm sorry to you. That it's you like quality time. You understood? You like? Quality. You like quality time. Your husband is unable to give you quality time. What you should do is you should fix up schedules. When he is like Sundays go for movies together. You like quality time. You define a program like a movie, 3 hours. 3 hours he can't do much, right? घर पे बैठेंगे तो टीवी देखेंगे, कुत्ते के साथ खेलेंगे, बच्चों के साथ खेलेंगे, इज नॉट गिविंग यू क्वालिटी टाइम. मूवी तो लेके जाओ, ड्राइव पे जाओ. तो दिस आर द वेज यू गेट क्वालिटी टाइम. नथिंग वर्क्स आउट. क्या नथिंग एग्जैक्टली वर्क्स आउट. ही कम्स एट 10 o'clock बाय द टाइम आई एम आउट ऑफ सीट. यू रिक्वेस्ट स्पेशल कंसल्टेंट. Working.
राजेश सर आप? मेरा वाइफ है सेकेंड एंड फोर्थ। यार आपका बोले वंदना का बोले? वंदना का बोले। शी लाइक्स मतलब होम मिशन, शी लाइक्स इट एंड शी लाइक्स एक्टर सर्विस, मतलब उन्हें जो बोले मैं करे ना, शी वेरी हैप्पी। नॉट फॉर मी बट फॉर हर एंड टू बस वन आई लाइक इट फोर का यू आर यार लाइक इट करेक्ट है यार राइट मजबूरी। ओके तो अभी नाउ यू अंडरस्टूड दिस टू थिंग्स पर्सनालिटी वाज अ सेपरेट थिंग एंड फोर्थ पर्सनालिटीज के बारे में यू अंडरस्टूड। ओके एंड दिस इज लव लैंग्वेज, सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग विद पीपल अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। ये जो है फोर, ये जो फोर पर्सनालिटीज टिपिकली एक ऑफिस एनवायरमेंट में ज्यादा यूजफुल है, ये होम एनवायरमेंट में, बट सम थिंग्स यू कैन ऑलवेज यूज फ्रॉम हियर एंड देयर। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स, ऑफिस एनवायरमेंट में क्या कैसे बिहेव करना है एंड होम एनवायरमेंट में कैसे करना है। दिस आल्सो लाइक अ होम ऑडियंस, एक्सटेंडेड होम बोल सकते हैं, तो यू शुड नो वेयर टू हु इज टॉकिंग व्हाट लैंग्वेज राइट। Is it useful? Yes, yes. Yes. Always. Always. I think so. फिर से बोलो पूरे हम मिस करो ना देखते हैं। ओके यार आई यूज द वर्ड बिग वर्ड लाइक डेटा ऑर्गेनाइजर, ऐसा कुछ भी नहीं, वो
उन लोग एक एग्जांपल में दे रहा था, घर पे अगर टूथपेस्ट जो है ना, हम लोग तब तक नहीं फेंकते जब तक उसका लास्ट दबा दबा के लास्ट में जब निकल जाता उसमें कुछ भी नहीं रहता, तब वो टूथपेस्ट को फेंकते हैं। तो दो हजार वो मेलनकोलिक पर्सनैलिटीज, इट इज नथिंग टू डू विद एजुकेशन, इट इज ए ह्यूमन बिहेवियर, बिहेवियर है। तो मैं डेटा वर्ड डाल रहा हूँ, मतलब they want to see everything before a decision is taken. I want to see this. Leaves का example ले रहा था, I want to see all the leaves. कितना leaves बीच में 12 महीने में लिया, I want to see all the fingerprint. कितना आधा घंटा की expectation, वो जो उसमें करना चाहते हैं। And total personality is phlegmatic. Phlegmatic means people who are, don't like to brush people on the wrong side. So they don't like, they are peace loving people. तो अगर मैं एग्जाम्पल, गांधी जी ये पर्सनैलिटी के थे, हिटलर ये पर्सनैलिटी का था, सैंगवाइन वॉज आई थिंक ओबामा और आई डोंट नो हु इट इज, सो डिफरेंट फोर पर्सनैलिटीज आर देयर, नो राइट रॉन्ग आंसर, डोंट गो टू से दैट दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग एंड ऑल। तो एंड आई वाज टेलिंग दैट, एक एग्जाम्पल दे रहा था, सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग कर रहा है, ही गेट्स डिफरेंट बॉल्स, समटाइम्स इट्स ए गुगली, समटाइम्स ए शॉर्ट बॉल, समटाइम्स इट्स ए यॉर्कर, समटाइम्स इट्स ए बाउंसर, राइट। Now he doesn't swing the bat same way for everyone. अलग अलग बॉल में अलग अलग खेलता हूँ। तो सिमिलरली जब अपन सामने अलग आदमी है, एक अलग पर्सनैलिटी है, तो सुजिता इज डिफरेंट फ्रॉम रत्नमाल, रत्नमाला इज डिफरेंट फ्रॉम राज, राज इज डिफरेंट फ्रॉम कल्याण, राइट। When these personalities are different, I can't swing the bat same. It will hit. I give that example. Short ball आया तो I'll just want to hit it like this, right? Like it can't happen like that, right? So depending on the ball, you have to do the batting in that form. So depending on the personality, you have to reply it in or act in that form. Who act as a karoge? If the personality is choleric, is a person with a high ego. So if the person is in high ego, massage his ego. Do not do like this. Clash with that ego. Raj, here? Okay? Understand? I'm while I'm joking, that's the reason behind it. So eventually we will face, all of us will face some of the other challenges. Sanguine personality people are who are life of the party. Okay? So in case agar, if you have a boss who is like, you know, fun loving and all that, when you start a meeting, start with a joke. Sir, late okay, late or into your joke. So yeah, I understood? Suppose Pani, I'll give you an example. You came late for the meeting. My I'm the boss. If you are phlegmatic and you want to, if your boss is phlegmatic, I give that example, right? If your boss is phlegmatic, like example of my basket career, if your boss is phlegmatic, sir, I want to have you, can you please sign it here? So what you are doing? You are giving instructions to him to sign it here. And he will not say, no, why are you taking it only for it? Why? Because he doesn't want friction. He is a peace loving man. Correct. He is a peace loving man. Understood, right? And again, I am telling, nothing wrong right in this. There's nothing like buying right and wrong. You should just understand this personality. Depending upon the personalities, you should interact with them. Right? If your subordinate is pragmatic, right? If your subordinate is pragmatic, you just tell him the work. Can you please do this? That's it. आप वही चीज इसको बोलोगे ना? Can you do this? उन्हें ऐसा क्यों करना? समझ आया ना? Sir, you understood ना? Sir, ये क्यों करना? सर आप क्या थोड़ी करेंगे? इफ आप बॉस क्लाइमेटिक है, आपका सबॉर्डिनेट कॉलरिक है, इन्हें आपको 100% सुनता है, ये क्यों करना? ये सही है। अभी इस बॉस इन्हें है, आप उसको उल्टा पुल्टा बात करें, इन्हें आपको प्रमोट करता है कि नोट करता है? हाँ, सपोज ये बॉस इज क्लाइमेटिक और आप उसको सर क्यों नहीं कर रहा थी? तो ऐसा आप साल में बात करें, प्रमोशन का टाइम है, उन्हें क्या करता है? क्या करता? यू अंडरस्टैंड दिस इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल है ये,
any company, not only this company, any company you go, absolutely practical teacher. If your boss is this, don't brush him on the wrong side. If your boss is this, say, yes boss, you are right. If your boss is this, let's have some fun, sir. Let's have some tea. You have to go to the company. You marry, correct? Yes, sir. And if your boss is a melancholy guy, sir, I will show you all the data that we have got. How much profit is happening in this? It is actually profit is 1,25,235 rupees and 60 paisa. When you go to that 60 paisa, what it means? Watch this. Are you having 60 paisa? So if you understand your other person's personality, you can interact according to that personality. Yes? This was on the personality point of view. This is, I think some of you were there, I think. Love languages. This is a love language, how you interact with your spouse, how you interact with your family. So you still know on the only side, but yes, it can be this one. Okay, this is a quality time. People demand quality time. So this bhasha mein words aate rehte. Sabha ke bhasha mein, sir, mujhe 2 minute chahiye aapka. Then you told something like that. You told. Your wife says that you put a phone in. Right? They tell that. Words of affirmation. My wife, chai kaisa bana tha, kaisa bana, chawal kaisa bana, kaisa bana, my sister bana. Mere man mein rehta ho. Main bolta alag hai, chawal kya hai, cream bana. Disclaimer, yes, sir, there is an receiving gift. Right? We gave that example. If someone loves gifts, your wife or somebody is said, unhe nara se 50 rupaye ka Cadbury seal. Bas, push. 2 kilo wazan pad jata. Act of service. Someone said act of service, right? Act of, un log, haan, your wife. Act of service. तो अगर उन लोग को आप सेवा करते रहो खुश हो जाते हैं, उन लोग भी सेवा में खुश होते हैं, उनके साथ आप सेवा करो उन लोग भी खुश हो जाते हैं। लास्ट वाला फिजिकल टच, आई ग्रो हाउ आर यू योर ग्रैंडफादर, राइट? सो इफ यू कीप हिम, हाउ यू कीप हिम हैप्पी, ही आल्सो नोस तेलुगु, यू आल्सो नो तेलुगु, बट यू कैन स्टिल फाइट, राइट? सो तेलुगु इज नॉट द लव लैंग्वेज, फिजिकल टच इज द लव लैंग्वेज फॉर योर ग्रैंडफादर। द लैंग्वेज ऑफ लव इज नॉट द लैंग्वेज, इज नॉट इंग्लिश और तेलुगु, हिज लव लैंग्वेज इज physical touch. He hugs you when you go home, right? You don't like it, but tell him, for him. That's a love language. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Question aapka reh gaya. Haan, bolo. Sir, ka fit hote hai? You can have mix also, ha? Haan, mix is possible. Woh bhi baat kar raha hai. Main isme summary mein cover nahi kar raha. Do possible hai. Haan. Then we have a primary one and other word, what is recessive. Primary and secondary, samjho na. There is always a primary and always a secondary. So, where do you fit, sir? वो बाकी लोग बोलो, मैं मेरे कहते हैं नहीं, आपको भी मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ फिट हूँ. I would think I'm in fourth. You think you are in fourth. As a voting for me, sir. Okay, आप बताओ मैं कहाँ फिट हूँ. You are committed 2 and 3. Correct? Yes, sir. Everyone wanted the same thing. Perfect. Bole sir. Barabar bole. Sir, where do you fit in? 2? And secondary. Kya? Primary is 2. Correct? Sir, after changing now.
इमीडिएटली हां सर हां सर उन्हें से इंस्ट्रक्शंस लेते ही आना एकदम क्लियर था तौसीफ हां सर दीपक सर बाबू और भाई लाले सर का डिबेट निकल रहा अभी हां सर पीपल आर कॉन्ट्रडिक्टिंग अभी ये डिबेट है ये क्लैशेस नहीं है समझ में यू नो द पीपल विल क्लैशेस द डिबेट राइट नहीं नहीं इट कैन यू बी परसेप्शन ना वन टू थ्री फोर इट कैन बी बट इट्स अ परसेप्शन ना नो इट्स अ परसेप्शन बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिफ्लेक्ट वन प्राइमरी एंड वन सेकेंडरी एक प्राइमरी है नहीं मेन डोमिनेट आई माइट बी मोर प्राइमरी हियर एंड आई माइट बी दिस थ्री आल्सो डोमिनेंट डोमिनेंट वास्तव विल हैव दिस एज प्राइमरी दिस सेकेंडरी ये भी रहता नहीं रहता बल्कि नहीं है यू हैव दिस 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 आल्सो बट इट विल बी subdued till now he can't he, that's the way God has made us so there's no and let us not try to change personalities and all that we need to have data orientation because if we are in the business we need to have we need to give instruction because we have this personality working with us and we want to give instruction we need to change thoda thoda change hona padta but there's some thing that God has given usko wo to change nahi kar sakte na aur kya raj unka answer nahi mila unko abhi और किसका रह गया राजेश का भी हो गया बट यू एग्री सर वनंत की आई वुड एग्री सब लोग बोले वो तो यस नाउ लिसन सी द वर्ड्स दैट द पर्सन यूजेस सपोज ही वाज वन व्हाट यू वुड टोल्ड नो 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 परसेप्शन है नहीं नहीं सर इसके अंदर अभी द पर्सन टिपिकली आई एम राइट बोलता है या लिखा तो इसी तरह आई एम राइट द पर्सन हु इज अ कॉलर इज टिपिकली ऑलवेज हैव इन हिज माइंड आई एम राइट वो चलते रहते तो उसके दिमाग में एवरी वर्ड दैट कम्स वहां से आ रहा हो आई एम राइट दिमाग में वो पीछे पेपर वर्ड चलते रहता बट वो वर्ड सामने चेंज होता बट पीछे से वो जो टोन रहता ना I'm right on a tone level. The moment someone is saying, I might be wrong, then he's not it. Understood, na? So, let us go back. So, where is sir? 3 and 4. Huh? 3 and 4. But why to change the 1, 2, 3 and 4? What made it change? The children go to buy. Sorry, what to do? Lucky look. What made it change? And that's okay because they are going through a learning phase. Yeah. Movie, na? Everyone is going through a learning phase. Yeah, suddenly lot of new words. Lot of new words. Going through a learning phase. Haan, Sabha. Achha, sir, aap bolo Sabha kis mein fit hoti? See, Sabha is 4. Sabha is 4. Sir, okay, your opinion. Okay, we'll not. Yeah, purely. What's your opinion about Sabha? चल मैं आने को ब्रैकेट समझ में आ गया ना आई एम राइट लाइफ ऑफ द पार्टी डेटा ओरिएंटेशन एंड पीस लविंग ये चार चीजें याद रखो फोर भी है थ्री के बाद फोर तो शी इज मोर भी मोर थ्री एंड लेस फोर एज पर यू मोर थ्री एंड लेस फोर फिर ओके हर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सबा इज दैट सो व्हेन यू हैव अ गो फॉर डिस्कशन विद सबा व्हाट विल यू गो विद गो इन डिस्कशन विद सबा कोई भी ये नहीं बोला कि सबा ये Have you seen कितना क्लियरली आप दूसरों का पर्सनालिटीज रीड कर सकते हैं once you understand this? No one has told surprise this, correct? Frankly, no one has told I am also this. किसी ने मेरे को यहाँ फिट नहीं किया And no one has also told रत्नमाला is not anywhere in this ring. Fact, this is a fact. Correct है ना मैडम? I'm not talking anything else. मैं मन कर थोड़ी बोला मैं ये बोला कि किसी ने भी बोला कि तुम्हें फोन में आप नहीं हो राइट एंड अगेन नथिंग रॉन्ग गाइस गाइस वी आर हैविंग सो मच फन नथिंग रॉन्ग विद एनीबॉडी ओके ऐसा मत सोचो कि ये गलत करता है ऐसा कुछ भी नहीं सर और एक चीज मैं बता रहा था
सक्सेस इज गोल विषय वो सब उसका सक्सेस पैरामीटर्स आर डिफरेंट एंड पर्सनालिटी आर डिफरेंट. गांधी जी वाज हियर ही फॉर इंडिपेंडेंस टू इंडिया राइट. तो गांधी जी का पर्सनालिटी वाज प्रैग्मेटिक बट वाई उसका दिमाग में वही था कि हाउ कैन आई गेट अ कंट्री लाइक इंडिया इंडिपेंडेंट राइट. मतलब दैट इज मिशन ड्रिवन इट्स नॉट पर्सनैलिटी ड्रिवन. पर्सनैलिटी इज वॉज अ सॉफ्ट मैन इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट मैन राइट. सो नथिंग टू डू विद सक्सेस एंड हिज पर्सनैलिटी. दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड बॉल कैसे आया था कैसे खेला. ओके और ये हो गया. और क्या था और बास्केट फिट्स हियर दैट वाज नो डाउट राइट. बास्केट यहाँ पे था और किसका देखे थे राज. राज कहाँ फिट होता है समझ हियर दिस टू प्लेसेस इज व्हाट वी टोल्ड करेक्ट. राज थ्री एंड फोर में था. वाहिद वाहिद थ्री में था करेक्ट है. वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग ही डाल राइट. टेप डब्बे पे लगाएगा तो डब्बे के एक ऐसे एक एमएम भी नहीं था जहाँ पे टेप नहीं है. मैं टेप इतनी तरह समझे वो डब्बे के ऊपर लपेट लपेट के रहता. मैं देखता था अंदर डब्बा कलर कौन सा है वो भी नहीं दिखे. वाटर टेप प्रूफ है एकदम ब्राउन टेप. और कितना देखिए आप पूजा Yeah, Pooja was more of three, right? So within your team you are myself, two, she is three, Sujita, what are you? Four, right? So different people, different personalities. Dinesh, where are you? Two and four, right? Two and four, right? And it's very much possible you like to have be with, you know, sanguines like to be with sanguines because they are fun loving people, but choleric don't like to be with cholerics. फाइटिंग हो जाता. आई 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 एम राइट तो दोनों राइट नहीं है. रिमेंबर दैट एग्जांपल. आई आई ड्रिवन दिस इज अ नॉक्स. रिमेंबर द नॉक्स. ये गाय है ये गाय है और बकरा है. तो बकरा जाके कभी आई को छेड़ना नहीं. बकरा जाके बुल को छेड़ दे तो बुल उठा के फेंक दे. एंड दिस आर द लव लैंग्वेजेस यू आर टॉकिंग. ओके was it useful? Use it. Use it. You really love it. Now, you have to sing it. Implement it. You lost your sleep. I lost my body.
इंजेक्शन लेके आए और तीनों भी तीनों जो इंजेक्शन